के तरीके से या फिर मतलब एक यहां पर कंटेंट इन सब जो भी दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे ताकि हर चीज जो है आसानी से हम कर सके तो यहां पर हम सारी चीजें करेंगे तो यहाँ पर एक पार्टीशन कर देते हैं तो यहां पर लिख लेते हैं देखिए नाइन आवर्स में मोहन जो है अकेले पूरे उस बड़े लान को माओव कर रहा है ठीक है माओव करने का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो घास है ना उसको बराबर तरीके से काटना ठीक है मतलब उसको माओव करना उसके बोलते हैं इन तो आवर्स में जो है मोहन कंप्लीट कर ले रहा है तो यहां लिख लेते हैं ठीक है नाइन आवर्स राइट नाइन आवर्स में कौन कर रहा है मोहन वन अमाउंट ऑफ वर्क हम जो है लान को माओ करने का पूरा पूरा जो है कंप्लीट माओ करने का जो वर्क है उसको हम वन मान लेते हैं ठीक है तो नाइन आवर्स में वन अमाउंट ऑफ वर्क हो जा रहा है अब कह रहे सोहन अब जो है मोहन और सोहन दोनों मिलकर के फोर आवर्स में उसी काम को कर रहे हैं तो यहां पर लिख लेंगे वही यहां पर कि आवर्स में मोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर के जो है वन अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं ठीक है दोनों मिलकर के तो बताना है कि हाउ लॉन्ग विल सोहन टेक तो अब बताना है कि सोहन जो है कितना देर लगेगी उस uh, आ, लान को माउ करने के लिए सुहन के लिए यदि वो अकेले काम करता है तो ठीक है ये चीज दिया हुआ है तो हम जो भी यहां पर दिया हुआ है उसको लिख लेंगे एक बार ठीक है चलिए यहां पर सोल्यूशन तो गिवन है नंबर ऑफ आवर्स टेकन या फिर टाइम टेकन बाई टाइम टेकन बाई मोहन टू माओक्वल टू नाइन अवर्स ओके और एक बार लिख लेंगे टाइम टेकन बाई मोहन एंड सोहन बोथ ओके मोहन एंड सोहन बोथ टू माओ द ठीक है इज इक्वल टू कितना फोर आवर्स फोर आवर्स ग्रेट अब करना क्या है देखिए सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम वन आवर में निकाल लेंगे कि मोहन कितना कर रहा है ठीक है हमेशा ऐसा निकालना है आपको यूनिट्री मेथड का इस्तेमाल करना ही है तो यहां पर यदि आप निकालते हैं कि नाइन आवर्स में यदि अमाउंट ऑफ़ वर्क कर रहा है मोहन कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है मतलब मतलब क्या कंप्लीट हो गया तो वन आवर में मोहन जो है तो मोहन करेगा, करेगा और, और सोहन दोनों कितना करेंगे ठीक है ये भी निकाल लीजिए तो वन आवर में मोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर के वन अपान फोर अमाउंट ऑफ वर्क कर लेंगे अब यहां पर ध्यान दीजिए अब ये जो वन अमाउंट में आया ना वन आवर में दोनों मिलकर के वन बाई फोर पार्ट कर रहे हैं यहीं से रिलेशन बनाना है इक्वेशन बनाना है और सॉल्व कर लेना है ठीक है तो इसमें आपको पहले मानना पड़ेगा कि सोहन जो है अकेले अकेले तो नहीं दिया इसमें ठीक है कि नहीं अकेले वाला मानना पड़ेगा तो सोहन को मान लेंगे कि अकेले जो है सोहन एक्स आवर्स में एक्स आवर्स में जो है सोहन अकेले कर रहा है उस काम को और

वन आवर में वन अपन फोर अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं इसका मतलब कि वन आवर में जो सोहन कर रहा है वन अपन एक्स इसको और वन आवर में जो मोहन कर रहा है वन आवर में जो मोहन कर रहा है इसको इन दोनों को यदि प्लस करेंगे तो इतना आना चाहिए वन अपन तो क्योंकि वन आवर में ये भी देखिए मोहन अकेले वन आवर में वन नहीं कर रहा है और वन आवर में सोहन भी वन अपन एक्स कर रहा है तो हम जो है दोनों के भी ऐड करेंगे वन अपन एक्स प्लस वन अपन नाइन तो वन अपन फोर आना चाहिए क्योंकि वन अपन फोर क्या है वन आवर में दोनों के द्वारा किया गया वर्क है क्लियर मतलब कि हम ऐसे मान करके सॉल्व करेंगे तो चलिए यहां पर सॉल्व कर लेते हैं तो पहले मान लेंगे यहां पर कि लेट दाइम टेकन बाई सोहन अलोन टू माउदलास सॉरी एक्स डेज नहीं है बल्कि आवर्स क्लियर तो यहां पर अब तीनों का जो है हम वन वन डेज में लिख लेंगे यहां पर तो यही है बस टाइम थोड़ा लगता है आप इसको जो है थोड़ा स्पीड में करके आप देख लीजिएगा ठीक है तो वन मोहंस लिख देंगे कि मोहंस वन डेज वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपन नाइन ठीक है यहां से हम सारा चीजें करेंगे जो भी यहां पर हम करेंगे रफ वर्क में वही यहां पर लिखेंगे तो वन अपन पार्ट ऑफ द वर्क हो जाएगा मोहन के द्वारा एक दिन में और सोहन के द्वारा निकालेंगे अब आप यहां पर यहीं पर लिख लीजिए इसके बाद ही डायरेक्ट सोहन डेज वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा कितना वन अपान एक्स हो जाएगा ये सोहन के द्वारा क्या होगा वन आवर में वन आवर में वन अपन एक्स होगा अब बोथ के द्वारा निकाल लेंगे तो यहां पर लिख लेंगे वैसे ही मोहन्स मोहन एंड सोहंस मोहन एंड सोहंस वन डेज वर्क कितना आया देखिए फोर आवर्स में कंप्लीट काम कर रहे हैं तो वन अपन फोर में वो एक दिन में जो है वन बाई फोर पार्ट करेंगे उस वर्क का अब ये करना है अब जो हम यहाँ पर रिलेशन समझाए थे आपको कि इक्वल होगा क्योंकि है। मोहन जो है सोहन जो है एक दिन तो दोनों यदि ऐड करेंगे तो वन डे में मोहन और सोहन दोनों मिल करके कितना कर रहे हैं वन अपन फोर तो दोनों को ऐड करके वन अपन फोर को इक्वल कर देंगे तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि वन अपन नाइन प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपन फोर ओके okay? अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे हम इसको तो यहां पर सॉल्व करने के लिए और एक्स का तो तो क्रास मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पड़ेगा इधर तो फोर इन टू एक्स फोर एक्स हो जाएगा प्लस फोर नाइन जाए थर्टी सिक्स इजक्ल टू नाइन एक्स इंटू वन नाइन एक्स ही रहेगा अब यहां पर जो है फोर एक्स और नाइन एक्स को एक साथ करेंगे तो यहाँ जाएगा 4X -9X, तो 36 को में करिए तो, कर तो आ जाएगा यहां पर सॉल्व करता हूं ठीक है देखिए फोर एक्स माइनस नाइन एक्स कितना माइनस फाइव एक्स राइट इजिक्वल टू आ जाएगा माइनस थर्टी सिक्स अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर आपका एक्स की वैल्यू जो है थर्टी सिक्स अपॉन फाइव जो है निकल जाएगी तो थर्टी सिक्स अपॉन फाइव जो है आवर्स लगेंगे जो हमने माना था देखिए क्या माना था कि x आवर्स लगेंगे सोहन के द्वारा अकेले तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल लिया है थर्टी सिक्स अपॉन फाइव आवर्स हैंस उसी बात को आप लिख देंगे हैंस टाइम टेकन बाय सोहन अलोन to माउ the work, माउ the लॉन्ग sorry, is equal to how much? 36 upon अपान hours. आवर्स ठीक है इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर यह भी आंसर करेक्ट है तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा उसमें आ गया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और कोई भी डाउट होता है तो जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर watching.